अंकलेश्वर के प्रतिम चौकड़ी के पास आई हुई एक मोबाइल दुकान में एक ठगबाज द्वारा ऑनलाइन पेमेंट के बहाने से दो मोबाइल फोन की चोरी की घटना प्रकाश में आई है। मिली जानकारी के आधार पर अंकलेश्वर शहर में बढ़ रही वैसी चोरी लुटपाट की घटना अंतर्गत एक बार फिर जो बॉक्स नामक मोबाइल शॉप दुकान से फेक बैंकिंग मैसेज के आधार पर करीबन 50,000 कीमत के मोबाइल की चोरी की घटना प्रकाश में आई है, जिसमें मोबाइल दुकान में आए हुए शख्सों द्वारा आईफोन 8 और 1+ मोबाइल लेने के बहाने से दुकान में प्रवेश किया था। तो वही दोनों मोबाइल का ऑनलाइन पेमेंट करवाने का कहकर दुकानदार को फेक बैंकिंग मैसेज दिखाने के बाद 50,000 से भी अधिक के मुद्दा माल की धोखाधड़ी की गई। जहां ये धोखाधड़ी का शिकार बने, वैसे बाद दुकान मालिक द्वारा अंकलेश्वर शहर पुलिस थाने में इस बात की शिकायत दर्ज करवाते हुए पुलिस द्वारा सघन तहकीकात जारी की गई है। मारू नाम लालजी से, मारी दुकान प्रतिम चौकड़ी पर प्रकाश होटल नी ऊपर आवेली से। त्यां बे मानसो आवेला मोबाइल लेवा माटे, मारी पासे आईफोन 8 1+ 7T बे मोबाइल ए लोको ए लीधा। बे मोबाइल लई अने पेमेंट थयो 48,000 रुपया। मैं गूगल पे नंबर आप्यो, सेठ दुकान नता घरे हता, तो 48,000 નું ટ્રાન્ઝેક્શન કરી નાખ્યું એ રીતનું એ લોકોએ મેસેજ, જાલી મેસેજ બનાવી અને મોકલી દીધો। ત્યાં રિસીવ બી થઈ ગયો 48,000 રિસીવ કરીને, મેં મોબાઈલ આપી દીધા, જ્યારે એકાઉન્ટમાં ચેક કર્યું તો પેમેન્ટ આવ્યું જ નથી, અને આ વસ્તુનો કેસ બી મેં નોંધ કરાવી દીધેલો છે પોલીસ સ્ટેશન પર। પોલીસ આવી ને ગઈ? ના, અહીંયા નહીં, પોલીસ સ્ટેશન પર ગયો હતો।